हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं योगिता फ्रॉम पैराडाइज मेकअप स्टूडियो। गाइस, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज ये बहुत ही खूबसूरत साई मेकअप। गाइस, ये लुक आप अपने क्लाइंट को किसी भी फंक्शन में, वेडिंग में या मेहंदी लुक में भी एक लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम अपनी आईज पे आई बेस अप्लाई कर लेंगे। दोनों आईज पे एप्लीकेशन करने के बाद मैं यहाँ पे पाउडर लॉकिंग कर लूँगी दोनों आईज पर। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे फ्लफी ब्रश के हेल्प से रेड आई शेडो अप्लाई की है। इसे मैं अपने आउटर कॉर्नर से लेके इनर कॉर्नर पर क्रीज लाइन पे अप्लाई कर लूँगी। इसी तरह से मैंने दूसरी आईज पे भी एप्लीकेशन कर ली है। यहाँ पर गाइज मैंने रेड कलर के साथ हल्का सा ब्लू कलर भी ऐड किया है और उसको ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से एप्लीकेशन कर लिया है अपनी क्रीज लाइन पर। नेक्स्ट हम यहाँ पे पिंक का आई शेडो अप्लाई करेंगे अपने ब्रो बॉन पर एंड बिग फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी ब्रो बॉन तक। ब्लेंडिंग गाइज मैं तब तक करूँगी जब तक दोनों कलर अच्छे से ब्लेंड ना हो जाए। गाइज यहाँ पे जो हमने पिंक शेड लिया था उसको मैं ब्रो बॉन तक अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, कोई भी हार्श लाइन ना रहे और अच्छे से हमारा जो लुक है वो खिल कर आए। इसी तरह से गाइज मैं दूसरी आईज पे भी ब्लेंडिंग कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे हाईलाइटर अप्लाई कर लूँगी ब्रो बॉन पर और दूसरी आईज पे भी मैंने एप्लीकेशन कर लिया है फ्लैट ब्रश की हेल्प से। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर कट क्रीज क्रिएट करेंगे। हमें हाफ कट क्रीज क्रिएट करनी है। सो गाइज हम इनर कॉर्नर से लेके हाफ आईबॉल तक ही कट क्रीज क्रिएट करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे फ्लैट ब्रश की हेल्प से कंसीलर अप्लाई किया है। इसी तरह से मैं अपनी दूसरी आईज पे भी कट क्रीज क्रिएट कर लूंगी और बहुत ही मैंने आराम से हल्के हल्के हाथ से ब्रश की हेल्प से यहाँ पे कट क्रीज क्रिएट किया है। बहुत ही कम क्वांटिटी में मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट लिया था एंड कट क्रीज क्रिएट करने के बाद मैं नेक्स्ट यहाँ पे ब्लू आई शेडो ले रही हूँ और उसको मैंने अपने आउटर कॉर्नर पे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। इसे सिर्फ हमें सिर्फ कॉर्नर पर ही एप्लीकेशन करना है गाइज एंड अच्छे से इसकी ब्लेंडिंग कर लेनी है। नेक्स्ट जो शेड हम यहाँ ले रहे हैं वो है मजेंटा शेड और उसको अच्छे से एप्लीकेशन कर लिया ब्लू कलर के आई शेडो के साथ। ब्लेंडिंग कर लूँगी मैं और अच्छे से एप्लीकेशन कर लूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइन ना रहे, दोनों अलग से ना लगें, कलर अच्छे से आपस में ब्लेंड हो जाएं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ग्रीन आई शेडो ली है और उसको अपने इनर कॉर्नर से लेके हाफ आई बॉल तक एप्लीकेशन कर लूँगी फ्लैट ब्रश की हेल्प से। यहाँ पे जो मैंने ग्रीन कलर लिया है ये मस्टर्ड ग्रीन कलर है गाइज और अगर आपके वैनिटी में ये शेड नहीं है, पैलेट में ये शेड नहीं है तो ग्रीन एंड येलो को मिक्स करके भी आप ये शेड बना सकते हैं। इसी तरह से गाइज मैंने दूसरी आईज पे भी एप्लीकेशन कर लिया है। देन मैंने यहाँ पे शिमर आई शेडो ली है ब्लू कलर की, ब्लू एंड पर्पल और उसको आउटर कॉर्नर पे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। आईवर कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लोअर लैश पे ब्लू आई शेडो एप्लीकेशन कर ली है फ्लफी ब्रश की हेल्प से और दोनों आईज पे मैं इसी तरीके से एप्लीकेशन कर लूँगी ब्लू आई शेडो की। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे एप्लीकेशन कर रही हूँ आईलाइनर की और मैंने यहाँ पे लिक्विड लाइनर यूज़ किया है और इसी तरह से मैं दूसरी आईज पे भी आईलाइनर अप्लाई कर लूँगी और साथ ही मैंने लैश भी एप्लीकेशन कर लूँगी यहाँ पर और अपने लुक को कंप्लीट कर लूँगी। सो गाइज ये था हमारा कंप्लीट आई मेकअप लुक। ये मेकअप लुक आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।